मनुष्य मेंटल इमोशनल सोशल कितने रूप से, खाली फिजिकल नहीं, कितने रूप से सजा भोग रहा है। तो सजा की या भोगना की योनि कौन सी है, मनुष्य योनि है या जानवर योनि है, क्या कहें? तो आज से पहला ये बैरियर जो है हम निकाल दें कि जानवर योनि भोगना की योनि है, जानवर योनि भोगना की योनि नहीं है। पंछियों को देखो, मस्त गगन में उड़ रहे हैं, कौन सा स्ट्रेस है ना? और मनुष्य को तो कितने प्रकार का स्ट्रेस, कितने प्रकार की भोगनाएं। और दूसरी बात ये आती है मन के अंदर कि मान लो कि मनुष्य अनेक योनियों में गुजर करके अपने कर्म का फल भोग करके लास्ट में जब मानव देह को प्राप्त करे तो हर रीति से परफेक्ट होना चाहिए, हर रीति से परफेक्ट होना चाहिए ना। तब कई बार कई लोग जन्मते ही डिफेक्टेड होते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन आजकल तो मां के गर्भ में बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ता है। जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होने से पहले कौन सा कर्म किया उसने, अगर पूर्व कर्म कहे तो वो तो भोग के आया ना, सारी योनियों में जाकर के आया, भोग करके आया। तो अब जब मानव योनि में आया तो परफेक्ट होना चाहिए, गोल्डन स्पून इन माउथ होना चाहिए। लेकिन जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होने से पहले उसको तकलीफ है, डिफेक्ट है, तो पैदा होते ही उसने कौन सा कर्म किया जो उसको ये भोगना के साथ जन्म लेना पड़ रहा है। तो इसलिए भी ये हिसाब बैठता नहीं है। तो मनुष्य योनि में ही उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। और ये जो डिफरेंसेस हम देख रहे हैं कि एक बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ पैदा होता है और दूसरे बच्चे को जन्मते ही दूध भी नसीब नहीं होता है, ये कर्म का फल है। और पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से ही ये फल भोगता है। तो मनुष्य योनि में ही उसको अपने कर्म के फल को भोगना पड़ता है, दूसरी योनियों में जाकर के नहीं। और आज मनुष्य को कितने रूप से भोगना भोगनी पड़ती है, जीवन में उदासी आती है, क्या ये भोगना नहीं है? स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्या ये भोगना नहीं है? दुख दर्द बीमारी ये सारी क्या भोगना नहीं है? कभी कभी तो इतनी भोगनाओं से उसको गुजरना पड़ता है कि आखिर मनुष्य थक करके हार करके सुसाइड कर लेता है, आपघात करने का सोच लेता है। कभी सुना कोई जानवर ने आपघात किया? तो भोगना की योनि कौन सी है, मनुष्य योनि है कि पशु योनि है? मनुष्य योनि है। तो इसीलिए कहा कि सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल स्पिरिट इमोशनल सोशल हर रीति से उसको भोगनाओं से गुजरना पड़ता है। इतना वो महसूस करता है कि कभी कभी आपघात करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आपघात करने के बाद भी उस कर्म के फल से तो छूट नहीं सकता है। दूसरा जन्म लेगा, वहां जाकर उस कर्म का फल फिर से भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो आपघात करना इमैच्योरिटी मानी जाती है या समझ की कमी मानी जाती है कि अरे यही भोग लो, आगे उसको कैरीड फॉरवर्ड क्यों करते हैं।
तो आज से ये बात हम अपने दिमाग से निकाल दे कि जानवर योनि भोगना की योनि है। नहीं, जानवर योनि भोगना की योनि नहीं है, मनुष्य योनि भोगना की योनि है। और इसलिए हमें अपने कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। कुदरत का भी ये नियम है, जैसा बीज वैसा फल। आज मैं आम का बीज डालूं तो मुझे उसमें से एप्पल नहीं मिलने वाला है, या आम का बीज डालूं तो उसमें से मुझे चीकू नहीं मिलने वाला है, जबकि दोनों पेड़ बाजू बाजू में लगाए जाते हैं। वही धरनी है, वही हवा है, वही पानी है, वही सूर्य की धूप है, उतनी ही मात्रा में, लेकिन एक बीज से दूसरा फल नहीं निकल सकता है, कायदा है। ठीक इसी तरह आत्मा भी एक बीज है, और उस बीज को परमात्मा ने जब मनुष्य योनि में रोपित कर दिया तो उसमें से दूसरा फल जानवर कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। Watch Peace of Mind channel videos on YouTube. Subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.